हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग देख रहे हैं शंपा एंड पीयूष ब्लॉग। तो आप लोगों ने देखा कि नए साल की शुरुआत में मैं वीडियो के पहले ही भगवान के मंदिर में हम लोग गए थे, तो उसको आप लोगों के साथ शेयर किया है। क्योंकि मंदिर में जाने के बाद मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा दिखाने के लिए भगवान जी को, क्योंकि हम सभी को नए साल शुरू करने से पहले तो भगवान जी को याद करके शुरू करना है। क्योंकि हम सब यही कामना करते हैं कि अगले साल 2020 हमारा बहुत अच्छे से जाए। इसलिए और मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी सारी जो व्यूअर्स है, तो सबकी ये जो नया साल है बहुत अच्छे से जाए। और 2019 में जो आप लोगों का मतलब वो होता है ना, विश, मनोकामना जो पूरा नहीं हुआ है, मैं चाहती हूँ कि आप सबको इस साल में पूरा हो जाए। तो इसलिए मैं भगवान के मंदिर से आज की वीडियो मैंने स्टार्ट किया है। और आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर बताना। तो इधर ये जो मंदिर है औरंगाबाद में ही है। तो आज की वीडियो की आप लोग टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज मैं किस बारे में आप लोगों से बात करनी चाहती हूँ, और नए साल की नई रेजोल्यूशन। तो मैं चाहती हूँ कि 2019 में जो मैं कर नहीं पाई या हो नहीं पाया या मैंने खुद नहीं किया, जो भी रीजन हो, तो मैं वो चाहती हूँ कि 2020 में वो मैं करूँ, और मैं दिल से वो करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले जो है वो है एज ए मदर, मैं एक डॉटर की माँ हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं 2020 में और भी बेहतर माँ साबित हूँ, और भी बेहतर मतलब परवरिश अपनी बच्ची को दूँ। तो ये है मेरा पहला। और सेकंड जो मेरा है, तो मेरी बहुत दिनों से गार्डनिंग की शौक है, लेकिन मेरे घर में एक तुलसी का पौधा भी नहीं है। तो मैं 2020 में चाहती हूँ कि ये बहुत फनी है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ, मैं अपनी दिल की बात आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं सब आप लोगों से शेयर करूँ। तो मैं चाहती हूँ कि एक तुलसी के पौधे और दो तीन ऐसे फ्लावर की पॉट मैं घर पे रखूँ अपनी बैल्कनी में। जो मतलब ऐसे कहते हैं ना कि एक पॉजिटिविटी मिलता है फ्लावर से। एक पेड़ पौधे अगर आपके घर में है, तो आप लोगों ने भी शायद ये मैसेज किया होगा कि एक पॉजिटिविटी आती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक छोटा मोटा गार्डनिंग मेरे घर में भी हो जाए। गार्डन तो ऐसे नहीं बोल सकते, दो चार पेड़ पौधे। तो ये है सेकंड। और थर्ड जो है वो है सारी नेगेटिविटी को इग्नोर करना और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना। क्योंकि मैं वो कुछ हो जाता है ना, तो वो मैं मेरे दिमाग में अटक जाता है। तो पिनाकी मुझे बार बार समझाती है कि जो होता है उसको छोड़ देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ मतलब मैं अपनी मन ही मन में उसको सोचने लग जाती हूँ, फिर बहुत अपसेट हो जाती हूँ। तो ये मुझे नहीं करना है 2020 में। जो पिनाकी की बात ही मैं फॉलो करूँगी, जो नेगेटिविटी है उसको मैं छोड़ दूंगी और पॉजिटिविटी के साथ मैं आगे बढ़ जाऊँगी। और ये सेहत के लिए भी अच्छा है ना, 2020 में सारी जो नेगेटिविटी है उसको इग्नोर करके पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ जाना। तो ये है टॉप थ्री। और टॉप फोर जो है वो है मेरा मतलब टाइमिंग का प्रॉब्लम। टाइमिंग का प्रॉब्लम मतलब खाना खाने का जो टाइमिंग है मेरा, वो बहुत उल्टा पुल्टा हो जाता है, इसीलिए मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। ये भी बहुत फनी है, लेकिन मैं ये भी फॉलो करूंगी, क्योंकि मेरा आदत है मतलब टाइम से नहीं खाना खाना। वो मैं फॉलो करूंगी 2020 में, और मतलब टाइम से खाना खाऊंगी। और ऐसा मतलब खाना खाने खा सकती हूँ मैं टाइम पे, लेकिन मेरा जो फंडा है वो है जो दो तीन चार काम है वो लिपटा के फिर खाना खाना। ऐसे करते करते मेरा थोड़ा सा लेट हो जाता है, उसके लिए प्रॉब्लम भी हो जाता है, और बिना किसी बहुत डांट भी पड़ता है। तो वो डांट मुझे 2020 में नहीं खाना है, तो इसलिए मुझे ये चेंज करना है। और टॉप फाइव जो है वो है वेट लॉस करना, क्योंकि वजन तो बढ़ते जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। तो 2020 में मुझे वजन कम करना है। और आप लोग हंस रहे होंगे, मुझे मालूम है मेरे ऊपर हंस रहे होंगे, लेकिन मैं ये करूंगी। आज तक मैं बोलती आ रही हूँ कि मैं करूंगी करूंगी, लेकिन नहीं किया। लेकिन 2020 में मुझे वो करना है। तो ये टॉप फाइव मेरा रेजोल्यूशन है जो मैं 2020 में करना चाहती हूँ।
हेलो गाइस, आप लोग 2020 में क्या चेंज करने चाहते हो अपनी लाइफ में, वो मुझसे ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके शेयर करना। और अभी आप लोग देख रहे हो कि गार्डन पे पीहू खेल रहा है, तो ये उसको मैं लेके आई हूँ गार्डन पे, और ये बच्चों के साथ थोड़ा सा खेल लेता है तो उसका माइंड अच्छा रहे, फ्रेश हो जाता है। तो कुछ ही देर में हम लोग बाहर भी जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं मंदिर, और ये मंदिर के एंट्रेंस गेट जो है उधर बाहर से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये मंदिर बाहर से ऐसे दिखते हैं, और ये जागृत हनुमान जी की मंदिर है, तो ये बहुत मतलब माना जाता है भगवान जी को। तो हम लोग पिनाकी और पीहू तो कभी कभी आते हैं, तो मैं बहुत दिनों बाद इधर आ रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है इधर आके, मन एकदम शांत हो जाता है और बहुत शांति मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। तो ये है विट्ठल मंदिर, विट्ठल रुक्मिणी की मंदिर। तो हम लोग ये मंदिर के चारों तरफ तीन बार जो वो बोलते हैं ना कि घूमते हैं, प्रदक्षिण करते हैं, तो हम लोग वही कर रहे हैं, मैं पिनाकी और पीहू तीनों कर रहे हैं, तो इसको तीन बार करना पड़ता है। और भगवान जी को मैं दिखाऊंगी अभी। तो ये देखिए आप लोग, विट्ठल रुक्मिणी जी और गणेश जी की मूर्ति है अंदर। तो आगे भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी हनुमान जी की मंदिर। अभी हम लोग गए नहीं, हम लोग शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इधर विट्ठल रुक्मिणी जी की मंदिर है, तो उधर से हम लोग स्टार्टिंग किया है, और उधर से फिर अभी हनुमान जी के मंदिर भी जाएंगे। अभी पीहू को ना घंटा बजाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसको लेके थोड़ा सा ये बजाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरा भी हाथ उधर पहुंचता नहीं है ज़्यादा, और पीहू का तो पहुंचेगा ही नहीं। तो अभी हम लोग हनुमान जी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और पीना की इधर धूप लगाएंगे अगरबत्ती, तो बिना की अगरबत्ती लगा रहे हैं इधर। तो अगरबत्ती जो है ऐसे बाहर जलाते हैं ऐसे, और मंदिर की जो सामने वाली गेट है उधर से नहीं, इधर से है, मतलब अंदर जाते हैं और सामने वाले गेट से बाहर निकलते हैं सब। तो हम लोग इधर से अभी मंदिर के अंदर जाएंगे। चल चल चल, उठना। तो ये मंदिर के अंदर की जो व्यू है ये, तो बहुत सारे लोग आते हैं और ऐसे बैठते हैं इधर। हम लोग भी थोड़ी देर बैठे थे, लेकिन उसका मैं वीडियो नहीं किया था, क्योंकि हम तब भगवान से प्रे कर रहे थे, और उसका वीडियो बनाना ठीक नहीं होता, इसलिए हमने भी वीडियो नहीं किया। तो ये इस वाली मंदिर की भी हम लोग चारों तरफ ऐसे तीन बार घूम रहे हैं। फिर अभी मैं अगरबत्ती दिखा रही हूँ भगवान को, अभी बाहर जो अगरबत्ती के लगाते हैं जिधर, उधर मैं इसको रख के आऊँगी। मालाटा दे दे।
तो ये देखिए मंदिर के सामने वाली जो एंट्रेंस है वो ये है, और ये सामने एक घंटा भी है, और ये श्री राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी की मूर्ति ये सामने मंदिर के ऊपर है। बहुत अच्छा लगता है इधर, और इधर बाहर बैठने की भी जगह है तो सब आके बाहर बैठती भी हैं। और इधर एक अंदर एक फाउंटेन जैसा कुछ है, स्टैचू जैसा, तो अच्छा लगता है इधर सब आके बैठते हैं। देखिए कितने सुंदर बैठने की जगह है इधर, और ये जो वही वाला गेट है जो मैं बाहर से दिखा रही थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, और इधर हम लोग जूता खोल के गए थे तो मैंने जूता पहन लिया, और पीहू को पिनाकी जूता पहना रहा है। तो अभी हम लोग निकल जाएंगे क्योंकि रात बहुत हो गई है, आप लोग देख सकते हो, घर भी जाना है इसलिए हम लोग अभी निकल रहे हैं। हम लोग थोड़ी देर बैठे थे, भगवान को प्रे कर रहे थे, लेकिन उसका वीडियो मैंने नहीं किया। तो देखिए ये दूसरे एक बच्चा भी घंटा बजा रहा है अपनी पापा की गोदी में चढ़ के। तो इधर पीहू भी जूता पहन रहा है। तो हम लोग अभी मंदिर से निकल गए हैं, और हैप्पी न्यू ईयर गाइस, नए साल की आप सबको ढेर सारी मुबारकबाद। और मेरी वीडियो अगर अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।